अब पाए देश दुनिया की ताजा तरीन अपडेट सिर्फ न्यूज 21 पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21। हमारे खास बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। पेश है आज के मुख्य समाचार। समिति के संयोजक डॉक्टर एमएल अग्रवाल ने बताया, इस परंपरा का निर्वाह लगभग 550 वर्षों से हो रहा है। चैत्र शुक्ल दशमी को गाजे बाजे के साथ राठौड़ बाबा की सवारी निकाली जाती है। 125 किलोमीटर की दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लगता है। राठौड़ बाबा और गणगौर माता के श्रृंगार में 5 घंटे का समय लगता है। साल में 5 से 7 दिन होते हैं जब राठौड़ बाबा के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु अजमेर आते हैं। विशेष पोशाक, हीरे, मोती, पन्ने, सोने की मालाओं से श्रृंगार होता है। मोदियाना गली से प्रारंभ होकर सवारी विभिन्न स्थानों से गुजरकर आगरा गेट स्थित गणेश मंदिर के सामने पहुंचती है। रात्रि कुछ देर विश्राम के बाद पुनः वापसी के बाद मोदियाना गली पर सवारी समाप्त होती है। मान्यता है कि राठौर बाबा से जो भी मांगा जाता है वह मुराद पूरी होती है। करोड़ों के आभूषण होने के कारण पुलिस प्रशासन की पुख्ता व्यवस्था रहती है। राठौर बाबा की सवारी 6 सुदी दशमी को प्रत्येक वर्ष निकाली जाती है। यह सवारी मोदियाना गली से प्रारंभ होकर होलीदड़ा, कड़का चौक, चौपड़, आगरा गेट, गणेश जी के मंदिर के सामने विश्राम करती है और वहाँ से वापसी में आगरा गेट, चौपड़, नया बाजार, घिमंडी, सराफा फॉल होते हुए मोदियाना गली पर समाप्त होती है। राठौड़ बाबा का 500 वर्ष से अधिक से भी पुराना इतिहास है और उसमें भी कन्फर्म नहीं है। जनता की और यहाँ रहने वाले लोगों की बहुत भावना रहती है। प्रसाद चढ़ता है। इस वर्ष जोड़ा 15 तारीख को उतारा गया था। 15, 16, 17 को मोहल्ले में दर्शन हो रहे हैं, 18 को सवारी है और 19 को मेहंदी लच्छा वितरित किया जाएगा। सवारी में कितना समय लगता है? सवारी में 7 बजे निकलते हैं, जो सुबह करीबन 5-6 बजे आते हैं, 10-11 घंटे लग जाते हैं। लगभग कितनी दूर की दूरी और कितने लंबे समय की? ये दूरी करीबन 2.5 किलोमीटर की दूरी है और इसको कवर करने में 10-11 घंटे लग जाते हैं। वजह क्या है? वजह है कि रास्ते में प्रसाद चढ़ता रहता है और पब्लिक में उत्साह रहता है और कुछ थोड़ी देर वहाँ विश्राम करते हैं गणेश जी के मंदिर के सामने। पौराणिक मान्यता है क्या है इसकी? पौराणिक मान्यता है कि ये ईश्वर गंगौर का जोड़ा है, शिव पार्वती का स्वरूप है और उसी स्वरूप को राठौड़ बाबा और गंगौर माता के रूप में पूजा जाता है। डॉक्टर एम एल अग्रवाल, संयोजक।